इस वक्त हम मालम जब्बा मौजूद हैं। सवा से अगला स्टेशन मालम जब्बा का है। यहाँ पर हम आपको मौसम की सूरत हाल बताते चलें। सुबह जब हम नाश्ते के लिए उठे हैं तो बाहर धूप निकली हुई थी। हमने बाहर का मौसम देखा तो बिल्कुल प्लीजेंट मौसम था, सूरज निकला हुआ था, सूरज अपनी आबोताब से चमकना शुरू हो चुका था। लेकिन अभी जब एक आध घंटे बाद हम नाश्ता करके फारग हुए हैं, हम होटल के कमरे के ऊपर आए हैं तो देखा कि यकदम बादल जो है वो उन्होंने घिराव कर लिया है हमारी पहाड़ी का, जहां पर हम रह रहे हैं हमारे होटल के इर्द गिर्द का। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आपको नजर आएगा ये बादलों की सूरत हाल है। हर तरफ इस वक्त बादल जो हैं वो छाए हुए हैं, उड़ रहे हैं बादल इन पहाड़ियों के ऊपर। ये हमारे सामने की जो सूरत हाल है, ये तमाम के तमाम एकदम से गहरे बादल जो हैं उन्होंने पहाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया है। और अगर मैं अपने लेफ्ट साइड पे दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे पीसी जो है मालम जब्बा मौजूद है, लेकिन इसके इर्द गिर्द इस वक्त इतने गहरे बादल हैं कि हो सकता है और चंद मिनट बाद यहाँ पर बारिश शुरू हो जाए। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो यहाँ का मौसम है मालम जब्बा का वो इंतहाई अनप्रडिक्टेबल है, जिसकी मतलब किसी को आइडिया नहीं हो सकता कि यहाँ पर मौसम की क्या सूरत हाल हो सकती है। कल तक यहाँ पर मौसम इंतहाई गर्म मरतूब था, लेकिन शाम को यहाँ पर ठंड हो चुकी थी। ये सितंबर की जो है वो 27 तारीख है, तो इस वक्त मौसम की सूरत हाल जो है एकदम से बादलों ने अपना घिराव कर लिया है। कल तक मौसम जो था बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन आज मौसम ने एकदम तब्दील करके अपनी जो है वो सूरत हाल बदल ली है। बात की जाए मालम जब्बा की तो यहाँ पर अभी ये 2-3 साल पहले ये टूरिज्म पॉइंट जो है पीटीआई हुकूमत ने यहाँ पर डेवलप किया था, लेकिन उसमें एक चीज़ ये है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट अभी हो रही है। होटल्स जो हैं वो नए बन रहे हैं, नए होटल्स खुल रहे हैं, नए जो गेस्ट रूम्स हैं वो बन रहे हैं। यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा अहम हैं, जिनको अगर आप टूरिज्म यहाँ की प्लान करें तो उसमें आप कर सकते हैं। यहाँ की चेयरलिफ्ट जो है, उसके बाद उसके ऊपर का जो व्यू है वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। यहाँ पर ग्रीन वैली है, वो बड़ा खूबसूरत व्यू है यहाँ का। इसके अलावा जो मालम जब्बा के ऊपर की जो पहाड़ी है वहाँ पर बर्फबारी होती है, वहाँ पर स्कर्टिंग होती है, वहाँ पर अच्छा इंटरटेनमेंट प्लान किया गया है। तो इस वीडियो के दूसरे पोर्शन में जब दूसरी वीडियो सामने आएगी तो उसमें हम आपको मालम जब्बा के टॉप पर लेकर चलेंगे, वहाँ की जो इंटरटेनमेंट पोजीशन है वो हम आपको बताएंगे। और एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ कि ये जो एरिया मालम जब्बा है ये सवा से तकरीबन 160-170 किलोमीटर इस रेंज में है। चूँकि ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर इसमें चढ़ाई में काफ़ी सारा टाइम लगता है। जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल करीब है, लेकिन चूँकि पहाड़ों के गिर्द रास्ते घूम कर यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। लेकिन इन द एंड जब आप यहाँ पर पहुँचे हैं तो यहाँ टूरिज्म के लिए, अच्छी साइट्स के लिए, नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत सारे मौके हैं। आप खुद भी इंजॉय कर सकते हैं, अपनी फैमिली दोस्तों के साथ भी यहाँ इंजॉय कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ वो ये है कि यहाँ पर होटलिंग में खाने का कोई इतना अहम कोई अच्छा मियार नहीं है, अच्छी इंटरटेनमेंट फूड्स नहीं है। उसके लिए अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करें, कोई अच्छा गेस्ट रूम सेलेक्ट करें, तो अपने खाने के इंतजाम आप खुद से कर सकते हैं, जो आपकी इंटरटेनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है वो चूँकि मतलब यहाँ पे चढ़ाई ज़्यादा है, इसलिए जो गाड़ियाँ मजबूत हैं जैसे टोयोटा हैं, दूसरी गाड़ियाँ मजबूत हैं वो यहाँ पर आ सकती हैं। जो हमारे दूसरे एरियाज़ में जैसे सियालकोट के एरियाज़ में जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं, जो कम पावर्स की होती हैं, जैसे 100 सीसी की, 1000 सीसी की, 660 सीसी की, वो गाड़ियाँ यहाँ पर बहुत कम नज़र आती हैं। यहाँ पर टोयोटा की 1300 सीसी, 1500 सीसी या इससे ऊपर की गाड़ियाँ भी यहाँ पर चलती हैं। तो आप अगर अपना टूर प्लान करें तो यहाँ पर इन चीज़ों का ख्याल रखकर उस हिसाब से अपनी टूरिज्म प्लान करें। यहाँ का मौसम जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है, जहाँ के व्यूज़ जो हैं वो बड़े खूबसूरत हैं, यहाँ की इंजॉयमेंट जो है वो आपके लिए तादेर खुशगवार यादें छोड़कर जाएगी। तो इसी वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, एक और वीडियो करूँगा जिसमें मालम जब्बा की
टॉप की सूरतहाल आपके साथ शेयर करूंगा जी।